आज मैं आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं किसे। देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ होता है जो कि करंट को फ्लो करता है। ठीक है, जैसे इसके तीन पार्ट्स होते हैं, आप देख सकते हैं। पहला होता है एनर्जी सप्लाइंग डिवाइस, एनर्जी सप्लाइंग डिवाइस जैसे कि बैटरी और सेल हो गया। ठीक है, दूसरा होता है एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस जैसे कि लैंप, टीवी, वॉशिंग मशीन जिसको हम लोड कहते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, कंडक्टिंग वायर्स और कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है, जिसमें करंट हमारा फ्लो होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्लोज्ड यानी कि वो बंद रहता है बिल्कुल, और कंडक्टिंग पाथ, ये देखिए क्लोज्ड, ये आप देख सकते हैं, ये आप यहाँ पे एक सर्किट देख रहे हैं जो पूरी तरह से क्लोज्ड है, और कंडक्टिंग पाथ यानी कि आप देख सकते हैं इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ये आप जो देख रहे हैं ये लाइन, ये हमारा क्या है, ये कनेक्टिंग वायर्स है। ठीक है, यहाँ पर पहला पार्ट क्या बता रहा था, एनर्जी सप्लाइंग डिवाइस यानी कि आप जिस पर जो लोड आप चलाना चाहते हैं, जैसे लैंप हो गया हमारा, उसको हमें ऑन करना है, हम चाहते हैं कि लैंप हमारा ग्लो करे, तो इस लैंप के लिए हमें यहाँ पर एक एनर्जी सप्लाइंग डिवाइस देना होगा। तो ये हमारा बैटरी भी हो सकता है और सेल भी हो सकता है। तो यहाँ जब हम एनर्जी सप्लाइंग डिवाइस लगाएंगे तो जिसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होगी, और ये करंट जो है ये हमारा एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस है। आप देख सकते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस जो कि एनर्जी कंज्यूम करता है, जैसे कि लैंप हो गया, टीवी हो गया, या वॉशिंग मशीन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हमारा लोड जो है वो अपना काम करना शुरू कर दे, क्योंकि हमने यहां से एनर्जी सप्लाई डिवाइस दे दिए। उसके बाद देख सकते हैं कि लैंप का जो दूसरा पार्ट है वो यहां पर स्विच से लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा एक क्लोज्ड पाथ बना हुआ है, कहीं से भी ये ओपन नहीं है, आप देख सकते हैं यहां पर। और इसमें एक रहता है स्विच, अपने घरों में अपने स्विच देखा होगा, जब आप ऑन करते होंगे तो लाइट ऑन होती होगी, स्विच ऑफ करते होंगे तो लाइट ऑफ हो जाती है। तो यहां पर देखिए ये स्विच क्या करता है, इस स्विच के दो कंडीशन होते हैं। जब हमारा स्विच ऑफ रहता है, ये देखिए जब स्विच ऑफ रहता है तो यहां पर ये देखिए यहां पर गैप आ गया, आप देख सकते हैं स्विच ऑफ का ये सिंबल होता है, तो ये गैप आ गया, यहाँ पर एयर आ गया यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ये क्लोज कंडक्टिंग पाथ तो हुआ नहीं, क्योंकि हमने यहाँ सेल दिया, तो ये देखिए करंट तो फ्लो होगी नहीं, यहाँ से तो आगे जा नहीं पाएगी, क्योंकि बीच में क्या हो गया, ओपन हो गया। तो इसको कहते हैं ओपन सर्किट, जिसकी वजह से ये हमारा जो बल्ब है ये ग्लो नहीं करेगा, तो इसको हम ओपन सर्किट कहते हैं। ये कब होता है, जब हमारा स्विच ऑफ रहता है। और जब हम स्विच ऑन करते हैं तो देखिए स्विच ऑन का सिंबल ये होता है, ये देखिए डॉट बीच में दिख रहा है ना, तो ये हमारा स्विच ऑन हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि ये अब हमारा जो है जो पाथ बन रहा है क्लोज्ड, वो पूरी तरह से क्लोज हो गया, यानी कहीं पर भी ओपन नहीं है। ये करंट यहाँ प्लस से फ्लो होगी, इस बल्ब को जाएगी, ये बल्ब ग्लो करेगा, फिर ये करंट यहाँ से पार हो जाएगी, यहाँ से ये इस स्विच ऑन होने का मतलब है कि ये स्विच ने इन दोनों वायर्स को, ये जो इस स्विच के इधर इधर है, इन दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया है, कनेक्ट जोड़ दिया है, जिसकी वजह से ये हमारा करंट जो है इसको एक क्लोज लूप मिल जाएगा और ये ओपन हमारा नहीं रहेगा, जिसकी वजह से हमारा बल्ब ग्लो करेगा। तो यहाँ पर दो सर्किट होंगे, एक ओपन सर्किट होगा और क्लोज सर्किट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा।